थाना जरीफ नगर क्षेत्र के गांव शेखपुरा में 12 अक्टूबर 2022 की रात्रि में घरेलू विवाद के दौरान एक महिला और उसकी बहन पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें महिला और उसकी बहन की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना जरीफ नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। एसएसपी डॉक्टर ओपी सिंह द्वारा टीम गठित कर दोनों अपराधियों भौरीलाल और देशवाज को थाना सहसवान क्षेत्र की गंगा के किनारे कटरी से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों अभियुक्त भागने की फिराक में थे। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हमारी पत्नियों से झगड़ा हो गया था, जिसके कारण हमारी पत्नी मायके चली गई थी। जब हम रात को घर पर आए तो हमारे भाई की बीवी ने हम पर तानेबाजी की। इससे नाराज होकर शराब के नशे में हमने अपने भाई की बीवी लज्जावती पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। भाई की साली ने हमको देख लिया तो हमने अपने भाई की साली, जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसको भी मार दिया। जनपद बदायूं के जरीफ नगर थाना अंतर्गत शेखुपुरा गांव में कल रात्रि 1 बजे के आसपास एक जघन्य दोहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें दो व्यक्ति भौरीलाल और देशराज उर्फ जंडायल, इन दोनों लोगों ने अपने छोटे भाई की पत्नी तथा उसकी 10 वर्षीय साली को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद हमारी टीमें इनका पता रसी सुराग रसी करते हुए सहसवान और जरीफ नगर थाने के जो कटरी का क्षेत्र था उसमें इनका पीछा करती रहीं, लगातार घेराबंदी की और आज इनको अपहरण कटरी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और इनकी निशानदेही पे आला कत्ल फावड़ा बरामद कर लिया गया है। पूछताछ से इन्होंने बताया कि इनका अपनी अपनी पत्नियों से झगड़ा हुआ था, झगड़े के बाद इनकी कंप्लेंट की गई थी और उसके बाद जब ये भाग करके लौट करके आए थे तो इन्होंने जब सामने की झोपड़ी में अपने भाई की रह रही पत्नी से पूछा तो उसने तंज कसा कि अगर अपनी लुगाई को मारोगे बार बार तो वो भाग ही जाएगी। इस पर ये लोग उससे तैश में आए और जब ये दोनों सो गई, उसके भाई की पत्नी और उसकी साली, तो वहीं फावड़ा लेकर के उसकी झोपड़ी में जा कर के पहले अपने भाई की पत्नी की हत्या की, उसके बाद वहीं पे उसकी बहन, 10 वर्षीय बहन नीचे ज़मीन पर सो रही थी, जब उसने प्रतिरोध किया तो उसकी भी उसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड का बहुत ही जल्द हमारी जनपदीय पुलिस ने और एसओजी टीम ने मिल करके इसकी पता रसी की और इसके जो अभियुक्त थे उनको कम समय में गिरफ्तार किया है। इस पूरी टीम को हमारी तरफ से पारितोषक 10,000 रुपये भी दिए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करके इसमें शीघ्र ही इसको ट्रायल पे ला करके इनको कठोर से कठोर सजा भी दिलाने का काम जनपदीय पुलिस करेगी।